तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज की नॉलेजेबल एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज हम भारत के प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में बात करेंगे। हमारा भारत देश 64 करोड़ देवी देवताओं का पूजनीय स्थल है, जो अपने प्राचीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, भारत देश में आपको कई विभिन्न देवी देवताओं के मंदिर देखने को मिल जाएंगे, जिन्हें अपनी संस्कृति, मान्यताओं, सिद्धि की वजह से जाना जाता है। भारत में ऐसे कई रहस्यमय मंदिर भी हैं, जो अपनी परंपरागत देवी देवताओं के कारण भूत प्रेत संस्करण या हजारों सालों बरसों पुराने मंदिरों के लिए जाने जाते हैं। आज हम आपको ऐसे ही मंदिरों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो अपने रहस्यमय कारणों से प्रसिद्ध है। तो चलिए फिर आपको उन मंदिरों की जानकारी देते हैं। नंबर एक पर है वेंकटेश्वर मंदिर। वेंकटेश्वर मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में मौजूद है। भगवान वेंकटेश्वर मंदिर को तिरुपति के नाम से जाना जाता है, जो देश के सबसे मशहूर मंदिरों में शुमार है। ऐसा माना जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर यहाँ मूर्ति के रूप में धारण हुए थे, जिसकी वजह से इस मंदिर की स्थापना यहाँ की गई। आपको बता दें, इस मंदिर में दो विशाल हॉल हैं, जहाँ रोजाना 1200 से अधिक तीर्थयात्रियों के बाल काटते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ साल भर में लगभग 75 टन तक बाल पहुँच जाते हैं। इन बालों को बेचकर तिरुपति मंदिर की 6.5 मिलियन से अधिक कमाई होती है। नंबर दो पर है स्तंभेश्वर महादेव। गुजरात में मौजूद स्तंभेश्वर महादेव मंदिर भारत में अविश्वसनीय और रहस्यमय मंदिर में आता है। ऐसा कहा जाता है कि ये मंदिर दिन में कुछ समय के लिए पूरी तरह से गायब हो जाता है। गायब होने के बाद इस मंदिर का एक भी हिस्सा दिखाई नहीं देता है। ये मंदिर गुजरात में अरब सागर और केम्बोरा की खाड़ी के तट के बीच में मौजूद है, और हाई टाइड के दौरान ये मंदिर रोजाना पानी में डूब जाता है, और हाई टाइड का स्तर नीचे आने पर यह मंदिर दोबारा वापस ऊपर आ जाता है। ऊपर आने के बाद फिर इस मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाता है। प्रकृति के इस असाधारण नजारे को देखने के लिए यहाँ हजारों में भीड़ जमा हो जाती है। नंबर तीन पर है ब्रह्मा मंदिर, पुष्कर, राजस्थान। ब्रह्मा मंदिर भी राजस्थान का रहस्यमय मंदिर है। यहाँ भगवान ब्रह्मा की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा मंदिर 2000 साल पुराना है, जिसे 14वीं शताब्दी में बनाया गया था। इसे आदि शंकराचार्य और ऋषि विश्वामित्र द्वारा निर्मित किया गया था। नंबर चार पर मौजूद है राजस्थान का करणी माता मंदिर। राजस्थान के देशनोक नगर में करणी माता का मंदिर मौजूद है। ये मंदिर भी किसी रहस्यमय मंदिर से कम नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मंदिर में 20,000 से अधिक चूहे हैं, और चूहों का झूठा भोजन यहाँ बेहद पवित्र माना जाता है। वह झूठे भोजन को ही प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। ऐसी भी मान्यता है कि अगर चूहा मारा जाता है तो उसी जगह एक सोने का चूहा रखा जाता है। नंबर पाँच पर है कामाख्या देवी मंदिर, गुवाहाटी, असम। गुवाहाटी के नीलाचल पहाड़ी पर मौजूद कामाख्या देवी मंदिर असम का सबसे मशहूर मंदिर है। ये मंदिर भारत में 51 शक्ति पीठों में आता है। इस मंदिर को अपने काले जादू के अनुष्ठानों के लिए जाना जाता है। हर साल मानसून के दौरान देवी के मासिक धर्म के दौरान मंदिर 3 दिन के लिए बंद कर दिया जाता है, और माना जाता है कि गर्भगृह से बहने वाला झरना उन 3 दिनों में लाल हो जाता है। साथ ही भक्तों को प्रसाद के रूप में पत्थर की मूर्ति को ढकने वाला लाल कपड़ा काट कर दिया जाता है। नंबर छः पर है कोडुंगलूर भगवती मंदिर, केरल। कोडुंगलूर भगवती मंदिर देवी माँ भद्रकाली को समर्पित है। यहाँ अचंभित और आश्चर्य में डाल देने वाली भक्ति का अद्भुत और दुर्लभ नज़ारा देखने को मिलता है। साल में एक बार ही यहाँ भरणी त्यौहार का आयोजन होता है। भरणी त्यौहार के दौरान देवी माता के सभी भक्त मंदिर में अपने ही खून से होली खेलते हैं, और यहाँ उत्सव पूरे 7 दिनों तक चलता है, और 7 दिनों के बाद मंदिर 7 दिन और बंद रहता है, क्योंकि 7 दिनों तक उस मंदिर में खून की सफाई चलती है। नंबर सात पर है वीरभद्र मंदिर, आंध्र प्रदेश। यह मंदिर भी भारत के सबसे रहस्यमय मंदिर में शामिल है। यहाँ की रहस्यमय बात यह है कि यहाँ 70 बड़े स्तंभ हैं, जो छत को तो छूते हैं परंतु जमीन को नहीं, यानी हवा में लटके रहते हैं। इसी वजह से इस जगह को
हैंगिंग पिलर के नाम से जाना जाता है। यहाँ अक्सर पर्यटक पिलर के नीचे से कपड़ा निकालते हुए इस पिलर को टेस्ट करते देखते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आगे ही हमारे साथ ऐसी ही मजेदार वीडियो में बने रहे। थैंक यू सो मच।